ダメ。Our channel and welcome back to another blog. अभी हम दोपहर में खाने को बैठे हैं, आज हमारा ब्रेकफास्ट। मुझे बनाने में भी थोड़ा टाइम लगा। एक्चुअली मैं कुक कभी कभी करता हूँ, बट मुझे टाइम लगता है कुकिंग में, तो मैंने आज बनाया है फ्रेंच फ्राइज और ये सैंडविच। थोड़ा सा ब्रेड जल गया है बट खाने लायक है। और ये रहा फ्रेंच फ्राइज। ईद तो आज है नहीं, पर फिर भी छुट्टी लग गई है। मून साइटिंग अभी हुआ नहीं है, तो आज मोस्ट प्रोबेबली शाम को अराउंड 9 बजे कन्फर्म होगा। कन्फर्म क्या, कन्फर्म ईद है ही, मतलब 30 डेज खत्म हो गए रमादान के, तो ईद तो कल होगा ही फॉर श्योर। तो छुट्टी के दिन इतना आलस आता है मुझे, तो मैं तो बस सोता ही रह गया, और ब्रेकफास्ट भी अभी खा रहा हूँ मैं। एक्चुअली ये चांद जो है ना, बहुत टेढ़ी खीर है। करवा चौथ में भी निकलना नहीं चाहता और ईद में भी। हाँ, बहुत मतलब ये पंगा करने वाला चीज है। सूरज देखो हमेशा निकलता रहता है, कभी कोई नखरा नहीं करता। ये चांद बहुत नखरे वाली चीज है। वैसे मुझे अभी भूख लगी है, मैं खाऊंगी और मैं अपना खाना नहीं दिखाना चाहती। वैसे रूपा भी अभी आ गई है, तो उसका तबीयत खराब था इसलिए मैंने इसको जगाया भी नहीं, तो आई लेट हर स्लीप। अभी सब रेडी हुआ तो मैंने उसको बुलाया कि आ जाओ चलो नाश्ता कर लेते हैं। अरे अम्मी बोलला मम्मी खेते खेते देखा बोलना था तुझे। तो लोगों को खाना, लोगों को पता तो चले कि तुम खा रही हो, तुम खाती भी हो। लोगों को अच्छे से पता चल रहा है। जब व्लॉगिंग शुरू किया था मैंने, कितनी पतली जम के तो भैंसिया बन गई हूँ मैं। अच्छा अच्छा, मैं मजाक कर रहा हूँ, बट मैंने इसलिए स्टार्ट किया है कैमरा ताकि तुम ये बता सको कि सैंडविच कैसा बना है। आई वॉन्ट अ रिव्यू। उसका अंदर का फीलिंग बहुत अच्छा है, टेस्ट जो है माइंड ब्लोइंग है। स्मेल तो आती नहीं है, बंद है, पर ये जो ब्रेड है ना मुझे थोड़ा सा और सॉफ्ट अच्छा लगता है। ये अगर तुम टोस्ट नहीं बनाते तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होता, पर बना बनाया खाने को मिल जाए ना, अमृत जैसा फील होता है। वैसे रिव्यू सब सही था, मैं लास्ट में काट दूंगा जहाँ पर ब्रेड की बात थी। क्यों? बिकॉज जब यू नो हस्बैंड खाना बनाते थे, इट्स ऑलवेज प्रीशियस, यू नो उसमें कुछ गलत नहीं होता है। तुम्हें ऐसा कड़क पसंद है ना, मुझे सॉफ्ट पसंद है। तुम कहाँ से काटोगे? तो एडिटिंग तो मैं करती हूँ ना, मेरे हाथ में सेंसर बोर्ड, मेरे हाथ में कैंची, मेरे हाथ में, मैं डिसाइड करती हूँ कौन सा सीन रहेगा कौन सा नहीं, तो वो तुम कर नहीं पाओगे। ओके गाइस, चलो हम अभी लंच कम ब्रेकफास्ट करते हैं, और उसके साथ फ्रेंच फ्राई। ये भी सौरभ ने बनाया है। ये देखो शिम्बा का ऑल टाइम फेवरेट गेम चल रहा है, ब्लैंकेट को खींचो उसको फाड़ो, ये उसका गेम है। हमने ना ये ब्लैंकेट रखा है सिम्बा के लिए। हमारे पास 2 पुराना ब्लैंकेट है, तो हम लोग उसको अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं। एक तो ये एक है, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा वीडियो में, और एक दूसरा है प्रिंटेड वाला, थोड़ा सा फ्लावरी प्रिंट है उसमें। ये दोनों ब्लैंकेट हमें उतना पसंद नहीं है, लेकिन हमने रखा है बस इनके लिए। डाउनी मेरे पास आ रहा है। डाउनी, डाउनी, ब्लाउनी, शोना ब्लाउनी, छोटू ब्लाउनी। देखो ये ब्लाउनी, ये देखो भाग रहा है। ब्लाउनी, 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 छोटू ब्लाउनी, ब्लाउनी। সারাদিন দুটু করবি, সারাদিন দুটু দুটু করবি সিম্বি, সারাদিন দুষ্টু দুষ্টু করবি। ও কে কর पहले से खा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, वो घास बैग में फील करने से पहले ये ऑलरेडी इसका खाना चालू।
ब्राउनी उसको खाना है, उसको खाना है, वो बैग में फील भी नहीं करने दे। इसको खाना बहुत पसंद है, ये सारा दिन खाता रहता है, इसीलिए हमें तुरंत पता चल गया था कि इसके दांत में दर्द है क्योंकि ये खाना नहीं खा रहा था। पर सिम्बा के साथ ऐसा नहीं है, वो सारा दिन नहीं खाता, वो सोता रहता है ज्यादातर। अभी मैं और सौरभ बैठ के एक मूवी देख रहे थे नेटफ्लिक्स में, सुपर मी। ए मूवीटार नाम सुपर मी छिलो ना, हाँ सुपर मी। तो काफ़ी अच्छा था मूवी, बस उसका एंडिंग थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, क्योंकि जिस लॉजिक से वो मूवी चल रहा था उस हिसाब से देखा जाए वो एंडिंग तो वैसा नहीं होना चाहिए था। चलो कुछ कर नहीं सकते, आजकल का मूवी कुछ ऐसा हो गया है, मतलब ज़्यादातर मूवी का एंडिंग कैसा अजीब सा होता है ना। और गाइज अभी क्या है ना कि हम लोग ऐसा मूवी वगैरह ये सब कुछ देखते रहते हैं या फिर सीरीज माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो दुनिया में आजकल शुरू हुआ है ना, पता नहीं ये सब कुछ कब ख़त्म होगा। जब भी थोड़ा न्यूज़ देखने की कोशिश करो या फिर सोशल मीडिया में भी थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करो तो हमेशा बैड न्यूज़ ये सब कुछ देख के और अच्छा नहीं लगता। अभी हम दोनों डिनर की तैयारी करेंगे, मुझे लगता है सौरभ ने ऑलरेडी तैयारी शुरू भी कर दिया है। हम लोग सोच रहे हैं रात को थोड़ा सा मैगी खा लेंगे, और हाँ मैगी ना 2 मिनट में तो नहीं बनता, टाइम बहुत लगता है। शुरू हो चुकी है मैगी की तैयारी, और यहाँ पे आज पूरे दिन का शेफ है सौरभ, सब सौरभ बना रहा है। मेरी तो छुट्टी है, बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा रिलीफ मिला है। मैगी की तैयारी इज जस्ट फनी। देखा सौरभ कितना एक्सपर्ट शेफ है, इतने अच्छे से जूलियन कट है, देखो एकदम सेम साइज परफेक्ट। इतना अच्छा तो मैं भी नहीं काट सकती, काटने में तो मैं माहिर हूँ, हाँ कटिंग एक्सपर्ट। पे पानी बॉयल हो रहा है, पहले मैगी को थोड़ा सा उबालना पड़ेगा, और यहाँ पे ऑयल गर्म हो रहा है। अलग से हम लोग एग और इसमें थोड़ा सा पोटैटो जो ऐड कर रहे हैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई कर लेंगे, इतने ऑयल में मैगी नहीं बनेगा, उसको अलग से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे उसके बाद बनाएंगे। और इस पैन में बनेगा मैगी। प्याज काटा भी नहीं मैंने अभी, ऑलरेडी आंसू निकलना शुरू। हाँ उसका छिलका तो उतारा है ना। यहाँ पे आलू जो है उसको फ्राई करके रखा है, मैगी भी बॉयल हो चुका है, मैं इसको अभी ड्रेन करने वाली हूँ। जब से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए ना, बैक टू बैक कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, तो इस वजह से मेरा किचन जो है अभी तक सेट नहीं हुआ, अभी तक ऐसा इधर कुछ उधर कुछ, ये प्लास्टिक के अंदर वो प्लास्टिक के अंदर ऐसा पड़ा हुआ है। जैसे तैसे ये फ्रिज जो है वो फाइनली पेंट हो चुका है, और जब तक कि ये यहाँ पे जो ये गैस बर्नर और जो सिलेंडर रखा हुआ है जब तक नहीं जाता, तब तक यहाँ पे स्पेस नहीं ओपन होगा और मैं कुछ ठीक से कर भी नहीं सकती। इंतजार कर रही हूँ कब वो आदमी आए, कब ये लेके जाए, पता नहीं वो कब आएगा। और अभी है तो यूज कर रहे हैं थोड़ा सा, वैसे भी जब वो आएगा वो तो लेके ही जाएगा, है तो यूज कर रहे हैं। अरे अभी देखो पता नहीं है गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, ऐसे पता चलता है ना, थोड़ा ऊपर हाथ रखो ऐसे थोड़ा ऊपर, हाँ तो थोड़ा स्टीम जैसा। अरे 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 रुखने हाथ दियो ना, हाथ पुड़े जावे ओरकम, अत नीचे दीते हैं ना कि एरकम ऊपरे रेखे ही बोझा जाए। ऐसे अगर आप हाथ को थोड़ा सा ऊपर रखते हो और हाथ में थोड़ा सा स्टीम जैसा कुछ लग रहा है तो मतलब ऑयल गर्म हो गया है। और जब बात हो रही है मैगी की, तो एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि इंडिया में जो मैगी मिलता है ना वो और यहाँ पे जो मैगी मिलता है वो टोटली डिफरेंट है ना। फ्लेवर वगैरह मतलब उसके अंदर वाला जो मसाला है वो टोटली अलग है। इंडिया वाला मसाला जो है, वैसे तो लोग बोलते हैं कि मैगी का जो मसाला होता है उतना हेल्दी नहीं है, नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है खाने में, पर यहाँ का बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम करी फ्लेवर, हाँ जो यहाँ पे जो करी फ्लेवर जो मिलता है मैगी का वही हमें थोड़ा सा पसंद है,
और चिकन फ्लेवर तो सौरभ मतलब खा ही नहीं सकता। चिकन फ्लेवर अगर हम लोगों ने कभी खरीदा भी होगा तो उसका मसाला नहीं यूज करते है ना, हमेशा बस नॉर्मल जीरा एंड धनिया पाउडर डाल के जैसे नॉर्मल चाउमीन वगैरह बनाते हैं ना घर में, वैसे बना लेते हैं देसी स्टाइल। ओके, आई थिंक दिस इज टाइम फॉर नूडल्स ओवर हियर। और ये है हमारा डिनर, ये सौरभ का, ये मेरा, मैं थोड़ा सा कम खा रही हूँ और जूस में भी मैं थोड़ा कम पी रही हूँ, मेरा जूस है, ये सौरभ का जूस है और ये है ब्लूबेरी जूस, रेड वाइन नहीं है। और अभी हमारा डिनर कंप्लीट हो गया, नूडल्स खा के मज़ा आ गया, खाना और नहीं दिखाया, खाना क्या दिखाएंगे, आप लोगों को देख के खामखा खाने का मन हो जाएगा इसलिए नहीं दिखाया। तो गाइस हमारे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था कुछ दिन पहले, वो हमने शेयर नहीं किया व्लॉग में। वो बताते हैं जो हमारे साथ हुआ है, हम ट्रैप हो गए थे, ट्रैप, वो जो ट्रैप मूवी है ना जहाँ पे एक आदमी वो ट्रैप हो गया था एक फ्लैट के अंदर, उस हीरो का मैं तो भूल भी गया उसका नाम, राजकुमार राव। हाँ, राजकुमार राव। आपने हमारे व्लॉग में देखा होगा कि जिस दिन हमारे घर में वो गेट टुगेदर था तो हम लोग नीचे गए थे सिक्योरिटी वाले को खाना देने के लिए और उसके बाद ही ये हादसा हमारे साथ हुआ, तो हमने उस व्लॉग में वो शेयर नहीं किया लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि क्या हुआ था। हुआ यूँ था कि हम लोग उनको पार्सल वहाँ पे दे दिए, उसके बाद हम लोग ऊपर आने के लिए लिफ्ट की तरफ आए तो जो सर्विस वाले लिफ्ट है ना वो नीचे आ गया सबसे पहले, तो वो ग्राउंड पे था, हम लोग उस पर चढ़ेंगे जल्दी पहुंच जाएंगे करके, तो उसके बाद हमने देखा कि सर्विस लिफ्ट में ना रूफ टॉप करके एक अलग सा बटन है आर करके, हाँ, जो दूसरे किसी लिफ्ट में नहीं है। तो रूपा ने बोला ये रूफ में चल के देखते ना, क्या पता शायद काम करे लिफ्ट ये वाली जाए, तो मैंने सोचा कि पता नहीं अलाउड है या नहीं है। वैसे भी बहुत दिन हो गया था हम लोग रूफ में नहीं गए थे, वैसे भी आपने देखा होगा मेरी ब्लॉग में, हम पहले जहाँ पे रहते थे हम रूफ में जाते थे कभी कभार, तो मैंने सोचा कि ये इतना ऊंचा बिल्डिंग है इसके ऊपर रूफ में जाएंगे तो शायद व्यू बहुत अच्छा होगा, जाके देखते हैं ना कि क्या है, कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, देखिए जाएंगे तो देखेंगे कि लॉक है, वापस आ जाएंगे लॉक हुआ तो। मेरे दिमाग में ये था कि मोस्टली लॉक होगा शायद, तो मैंने लिफ्ट टॉप बटन दबाया तो बटन इज वर्किंग, तो हम लोग पहुंच गए, लिफ्ट पहुंच गया। तो जैसे ही हम वहां पे लिफ्ट से बाहर निकले देखा कि दरवाजे भी खुला है, बोले चलो बल्ले बल्ले अभी तो वहां पर अभी हम थोड़ा देख सकते हैं क्या है। लिफ्ट से निकलते ही ना एक छोटा सा वहां पे स्पेस है, बाकी किसी लिफ्ट का डोर वहां पे नहीं है क्योंकि वो जाता ही नहीं है वहां तक, मतलब लास्ट जो हमारा फ्लोर है वही तक सब लिफ्ट रुक जाता है वहीं पे, वो सिर्फ सर्विस लिफ्ट ऊपर तक है, तो उसके बाद एक काइंड ऑफ एक रूम जैसा बना हुआ है उससे बाहर आते ही और एक डोर है, तो वो वाला डोर देखा हमने ओपन है तो हम लोग खुश हो गए, हम लोग छत पे चले गए, थोड़ी देर घूमे, एडवेंचर करेंगे यहाँ पे, थोड़ी देर हम लोग घूमे पर जो छत है वो हमें उतना खास भी नहीं लगा क्योंकि हर तरफ एसी वगैरह पड़ा हुआ है, मतलब वेल मेंटेन्ड नहीं है, क्या है कि जिस रूफ वगैरह में स्विमिंग पूल वगैरह होता है बेसिकली जो बड़े बिल्डिंग्स के होते हैं ना वहाँ पे वो पाइप्स वगैरह होता है, दैट इज प्रीटी नॉर्मल। हाँ ठीक है, लेकिन किसी किसी बिल्डिंग में होता है ना रूफ वगैरह जो होता है थोड़ा सा लोग जाके वहाँ पे बैठेंगे उस हिसाब से बनाया जाता है, लेकिन हमारे बिल्डिंग में क्या है ये रूफ छत पे घूमने के लिए नहीं है, मतलब बेसिकली कोई जाता नहीं है छत पे, एसी वगैरह ये सब कुछ है तो बस जो मेंटेनेंस रूम है, लिफ्ट रूम है, समथिंग लाइक दैट। वैसा नहीं है कि आप जा नहीं सकते, आप जा सकते हो लेकिन आपको जाकर उतना अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ हेलीपैड है, हेलीपैड के ऊपर अगर आप जाते हो तो वहां से व्यू बहुत अच्छा है लेकिन कोई जाता नहीं है। तो फिर हम लोग थोड़ा बहुत चक्कर लगा के हमने सोचा चलो वापस चलते हैं, गर्मी बहुत है, हेलीपैड के ऊपर चढ़ना भी नहीं है, तो जैसे ही हम वो दरवाजा खोल के हम लोग बाहर निकलने के लिए आए लिफ्ट के पास, लिफ्ट का बटन दबा रहे कंटिन्यूअसली और वो लिफ्ट आ ही नहीं रहा, कब से हम सोच रहे हैं अरे यार क्या हो गया, लिफ्ट क्यों नहीं आ रहा ऊपर। और फिर मैंने सौरभ से कहा एक बात तुमने ख्याल नहीं किया होगा कि वो जो लिफ्ट का बटन है ना उसका लाइट नहीं जल रहा है, मतलब ये काम नहीं कर रहा है, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं हम लोग सीढ़ी से निकल चले जाएंगे क्योंकि हम वैसे भी ऊपर के फ्लोर में रहते हैं, हमारे ऊपर बस और दो फ्लोर है तो उससे हम नीचे आ जाएंगे, उतना आना कोई बात नहीं है। तो फिर जब हम गए स्टेयरकेस के पास, स्टेयरकेस का जो डोर था वो लॉक था और मैं शोल्डर से काफी बार उसको मतलब ऐसे धकेल रहा था, अगर हल्का सा भी छोटा सा भी अगर लॉक हुआ तो शायद वो खुल जाए, हम निकल जाए वहां से। उसके अलावा हमारे पास एक ही चारा था कि वो जो उसका जो मेरे पास तो हमारे फ्लैट का जो की था मैं उसी से ट्राई कर रही थी,
क्योंकि मेरे पास हमारे पुराने घर का भी जो की है ना वो अभी तक लगा हुआ है, तो मैं सोच रही थी इसी में क्या पता इससे खुल जाए, इससे खुल जाए, कभी कभी होता है ना किसी और की से खुल जाता है, तो मैंने और उसके अलावा हमारे पास चारा था कि वो जो ग्लास है ना वहाँ पे ग्लास है ना, मतलब जो डोर है ना वो हाफ ग्लास और हाफ मेटल, एक चीज तो क्लियर हमने बताया नहीं है, मेरा जो फोन था वो नीचे रह गया था और फोन में सारे नंबर थे इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का नंबर क्योंकि सौरभ के हाथ में उस दिन पार्सल था तो खाना देने गया था, वो मोबाइल लेके नहीं गया कि थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं फोन लेके क्या होगा, और मैं किसी को बताती नहीं हूँ बिल्डिंग में कि मैं यूट्यूब मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ, तो इस वजह से मैं कैमरा जो है वो हमेशा ये फ्लैट के अंदर ही यूज होता है, बाहर भी निकलते हैं ना तो ज्यादातर अभी हमारा मोबाइल यूज होता है क्योंकि बहुत जगह कैमरा वगैरह अलाउ नहीं होता है, तो इसी वजह से तो मेरे हाथ में मोबाइल था क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, और हमारे मोबाइल में बैलेंस भी मेरे मोबाइल में बैलेंस भी ज्यादा नहीं था, जो हमारे साथ रिसेंटली जो हुआ है ना तो पापा जी का डेथ वगैरह उसमें हम लोगों ने मतलब हमारे जो रिलेटिव्स से फोन करने में इधर उधर सारे बैलेंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे, मुझे तो ऐसा दिमाग में था कि इसके मोबाइल में बैलेंस है ही नहीं, फिर भी इसने बोला एक बार ट्राई करके देखते हैं करके, तो अगर किसी को कॉल लग जाए, फिर मैं सोचो यार मैं अपने फ्रेंड्स के नंबर तो मुझे याद है बट वो लोग काफी दूर, मेरा मोबाइल नंबर किसी के पास नहीं है, किसी को पता नहीं है, तो कोई कॉल नहीं करेगा क्योंकि अगर ऐसा होता है ना कि हम लोग वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, दो तीन दिन हम वहीं पे हैं और सब हमें कॉल कर रहे हैं, सौरभ मिल नहीं रहा है, तो कोई मुझे कॉल कर लेगा और फिर उसे पता चलेगा कि हम लोग ट्रैप है, ऐसा भी नहीं किसी के पास मेरा नंबर नहीं है, और फिर बिल्डिंग का जो सिक्योरिटी है उनका नंबर मैंने अपने मोबाइल में सेव ही नहीं किया, तो फिर कैसे कॉल करेंगे, क्या करें क्या करें, फिर मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले हमारे किचन में जो भाई साहब काम करके गए थे उनका नंबर है मेरे पास, मैंने उनका नंबर ले लिया था क्योंकि मुझे सिम्बा ब्राउनी का जो केज है ना उसमें टाइल लगवाना था तो वो लगा के दिए हैं, तो उनका नंबर मेरे पास था, मूलचंद जी थैंक यू उनको, मैंने उन्हें मैंने तुरंत सौरभ को कहा कि तुमने कॉल करो, हाँ मैंने कॉल किया तो थोड़ा सा मतलब लाइक दो तीन सेकंड बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बस इतना बोला कि टू टू करके फोन कट गया, उसके बाद तो इसका टेंशन और बढ़ गया क्योंकि मैं तो क्लियर कुछ बोल ही नहीं पाया, और हम लोग प्रॉब्लम में है ये तो बता ही नहीं पाया, और वैसे उस दिन वो आने वाले थे, हमने उन्हें कहा था कि आप भी आना अपना पार्सल है, जैसे हम सिक्योरिटी वाले को दे रहे थे ना वैसे, वैसे तो मेरा प्लान था कि सबको घर पे बुला के खाना खिलाओ, लेकिन अभी कोरोना में गैदरिंग नहीं कर सकते तो इस वजह से पार्सल तो वो तो आ ही जाते बट लाइक और दो घंटे बाद आते हैं, ऐसा कुछ था उनका प्लानिंग, तो उसके बाद क्या हुआ मैंने सोचा अब क्या करें यार कुछ समझ नहीं आ रहा था, और फिर उसके बाद मैंने उतना मतलब सोचा नहीं, मैंने दोबारा डायल कर दिया उनको, तो थैंक गॉड उनको कॉल चला गया वापस, और उसके बाद और तीन चार सेकंड बात हुआ और मैंने इमीडिएटली बोला हम ऊपर छत में फंस गए हैं आप जल्दी से कुछ भी करो या मुझे कॉल बैक करो, तो ही अंडरस्टूड कम्प्लीटली क्योंकि वो एक्चुअली इसी बिल्डिंग पे काम करते हैं ना, तो वो यहाँ पे आते रहते हैं, वो मतलब हम लोग छत पे है सुन के वो चौंक गए क्योंकि छत पे कोई जाता नहीं है, आप लोग छत पे कैसे पहुंच गए ये सुन के वो तुरंत भाग के चले क्योंकि वो लोग यहीं पे पास ही रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, वो बेचारा भागते हुए उन लोगों तो ऑफिस से तरफ से मतलब कंपनी की तरफ से एकोमोडेशन मिला हुआ है तो पास में ही रहते हैं, और फिर उसने जो सिक्योरिटी का नंबर था सिक्योरिटी के नंबर से कॉल लगाया रूपा के फोन पे, और सिक्योरिटी ने पूछ रहा है अरे आपको तो मुझे फोन करना चाहिए था आप इनको क्यों फोन किए, और वो ही लोग मतलब शक की नजर से उन लोगों को वो दो आए थे उनको रोक के रखे कि क्या बोल रहे हैं वो लोग अभी खाना देके गए क्या बोल रहे हैं वो लोग फंस गए क्या हो गया, और अगर कॉल करना होगा लोग हमें कॉल करेंगे तुम्हें क्यों कॉल करेंगे रुको यहाँ पे, वो लोग अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं उन्हें, वैसे छुट्टी वाले दिन लोग अलाउ नहीं करते, तो फिर सिक्योरिटी को सौरभ ने कहा कि हाँ सच में हम लोग फंस गए हैं प्लीज आओ हमें यहाँ से ले जाओ, वैसे हुआ यूं था कि किसी एक फ्लोर में ना शिफ्टिंग चल रहा था तो उसके वजह से उन लोगों ने सर्विस लिफ्ट 20 फ्लोर पे सर्विस लिफ्ट को लॉक कर दिया था, तो मतलब 20 तक ही वो लिफ्ट जाएगा क्योंकि उसके अंदर सामान है अभी हाँ। कोई नीचे से बटन प्रेस करता है किसी भी फ्लोर से तो ऊपर नीचे हो जाएगा ना अनलोडिंग तक वो वहीं पे लॉक था, कोइंसिडेंसली उसी टाइम पे हमको नीचे आना था और हम लोग डर गए कि क्या हो गया, फिर कुछ देर बाद वो लोग आए ऊपर पर कुछ देर बाद नहीं मतलब एक दो मिनट के अंदर आ गए थे, जैसे ही बात खत्म हुई वो लोग आ गए, फिर आके बोल रहे कि अरे सर मैडम आप यहाँ पे क्या कर रहे हो तो गाइस ये था हमारा छोटा सा इंसिडेंट
थोड़ा सा फनी था बाद में जाकर के, बट यू नो थोड़ी देर के लिए रूपा तो काफी पैनिक कर गई थी और मेरे दिमाग में यही नहीं आ रहा था मैं करना क्या है, कुछ नहीं हो रहा। तो लास्ट हमारा टावर काफी ऊंचा है, हम यहाँ से चिल्लाते भी ना तो किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को सुनाई नहीं देता। मैं तो सोच रही थी क्या करे क्या करे, ऊपर एसी वगैरह है तो मैंने देखा कि ऊपर पानी के बाल्टी वगैरह रखा हुआ है, किसी किसी एसी में से जो पानी है ना वो यहाँ पे कलेक्ट होता है, तो वो देख के मुझे लगा कि ये ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है, शायद ये लोग ऊपर आते होंगे इसको खाली करने के लिए, फिर से इसको बिठा के रखते होंगे, तो अगर कोई आता है तो हम नीचे जा सकते हैं। बोल रही थी अगर कुछ नहीं हुआ ना ये पानी की बाल्टी उठा के मैं नीचे फेंक दूंगी किसी के सर पे तो वो देखेगा ऊपर। एक और तुमने क्या बोला तुम्हें याद नहीं है, अभी एक आध एसी ना फोड़ देते हैं इधर जैसी गर्मी लगी मैंने कहा था कि एक काम करती है एसी फोड़ देते हैं इधर का, एसी फोड़ देंगे ना तो जिसको गर्मी लगेगी वो ऊपर आ जाएगा। और सौरभ कह रहा है हाँ तुम एसी फोड़ दोगी, पता चला उस वाले मतलब उस बिल्डिंग में कुछ है, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, तो मैंने कहा नहीं जिसका पंखा घूम रहा है ना उसको फोड़ देंगे एसी बंद होता है तो तुरंत आ जाते हैं लोग ठीक करने, तो कोई ना कोई आ ही जाता। तो ऐसा हम लोग आइडिया लगा रहे थे और सौरभ कह रहे थे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, इसी फोड़ देंगे तो इसका तो ज्यादा पैसा भरना पड़ेगा, एक काम करेंगे स्टेयर किस का जो ग्लास है ना वो तोड़ के हम वहां से अंदर आ जाएंगे। हाँ तो एक ग्लास का कितना पैसा लगता है वो उसका पैसा हम दे देंगे, ये सब कुछ सोच रहे थे। सो गाइज अभी आप लोगों को शायद थोड़ा सा फनी भी लग सकता है लेकिन उस टाइम के लिए हम लोग बहुत डर गए थे क्योंकि ट्रैप मूवी देखा हुआ था ना, तो सोच रहे थे कि पता नहीं अभी हम भी क्या कबूतर मार के खाएंगे। सोचो वैसे हम लोग तो तीन चार दिन रह भी जाते लेकिन सिम्बा ब्राउनी का क्या होता, मेरे दिमाग में वही आ रहा था हे भगवान ये सिम्बा ब्राउनी का भी क्या होगा। चलो हम लोग अगर तीन चार दिन फंसे भी रहे ना यहाँ पे तो हम लोग तो बच जाएंगे पर उनका क्या होगा। सो गाइस बहुत बकबक कर लिया, पता नहीं आप लोगों को हमारा ये इंसिडेंट सुन के कैसा लगा होगा, आप लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। नो हम लोग लोग यही सोचेंगे, लोग ये सोचेंगे कि हम लोग बहुत एडवेंचरस हैं। ओके गाइस मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए वी आर सोलमेट्स और प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।